तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यूं तो डॉक्टर हाथी काफी मस्त मौला है और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन इन दिनों उनके माथे पर भी टेंशन की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। हमेशा खुशमिजाज और सभी को हंसने का संदेश देने वाले डॉ हाथी खुद ही परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह है उनका एक पेशेंट चिंतामणि, जो अपने नाम की तरह है, हमेशा चिंता करते रहते हैं और उनकी चिंता से टेंशन में आ गए हैं। डॉक्टर साहब बिना बीमारी के इलाज कराना चाहते हैं। दरअसल चिंतामणि नाम का एक पेशेंट गोकुलधाम सोसाइटी के पड़ोस की सोसाइटी में ही रहता है, लिहाजा छोटी छोटी बात से ही घबराकर सीधे पहुंच जाता है डॉक्टर हाथी के घर। उसे लगता है कि उसे कोई बीमारी है, जबकि वो पूरी तरह ठीक हैं, और ये बात डॉक्टर हाथी उन्हें समझा समझा कर परेशान हो गए हैं। डॉक्टर हाथी ने उन्हें समझाया है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लिहाजा वो टेंशन लेना बंद कर दें, लेकिन चिंतामणि है कि चिता करना छोड़ते ही नहीं। बस अब इसी पेशेंट के चलते डॉक्टर हाथी काफी परेशान है।